नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो महाभारत काल से आज भी जिंदा हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना 5 ऐसे लोगों के बारे में जो महाभारत काल से आज भी जिंदा हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे और कौन लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं। नंबर 6, मयासुर। मयासुर रावण की पत्नी मंदोतरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। वो ज्योति वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था। मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मय ने दैत्यराज वृष पर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभा गृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मयासुर आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा और वे तो अश्वत्थामा थे। नंबर 8, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कलयुग थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और उनकी बहन का नाम है कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है जिनमें विभीषण राज बलि भी शामिल हैं। नंबर 9, ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। आज के वीडियो में बस इतना ही।